सुहेब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसके साथ हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी डिस्कस करेंगे। आइए हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है वो मैंने क्या लिखी हुई है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, उसके ऊपर वर्क डन करना है। कैसे और कहाँ? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कैसे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो वहां से जो फील्ड लाइन निकल रही होंगी, आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लाइन यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, राइट? तो हम क्या कहेंगे कि आप अगेंस्ट द फील्ड लाइन उस चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। जी बेटा, अब ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब उस चार्ज पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर मैं उसको इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करवा रहा हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इट मींस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दैट चार्ज शुड बी इक्वल टू जीरो। इन दैट केस अगर मैं चार्ज को क्या करूंगा, अगेंस्ट द फील्ड लाइन इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करवाऊंगा, तो उसके अंदर जो वर्क डन होगा या उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको मैं क्या नाम दूंगा उस चार्ज के लिहाज से, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। जी, इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की बुनियाद पर। जी, किस तरह से? द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लाइंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो उस यूनिट चार्ज के लिहाज से उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। जी, इन दोनों डेफिनेशंस के मुताबिक इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा वी जो कि चेंज इन पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसके मैं बात कर रहा था, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एंड दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और वही यूनिट चार्ज जिसकी हम इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर बात कर रहे थे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर यूनिट चार्ज Q नॉट। जी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम आए, लेट हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेट सपोज एक के ऊपर पॉजिटिव Q चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव Q चार्ज है, और दोनों चार्जेस आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जिसकी इंटेंसिटी लेट्स सपोज ई है, राइट? और ये पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव प्लेट में टर्मिनेट हो रही है, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। अब ये जो प्लेट ए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे है, और इसका जो पोटेंशियल है वो वी ए है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज यू ए। यू इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और ए प्लेट की निस्बत से यहां लिखा जा रहा है, राइट? ये सबस्क्रिप्ट ए प्लेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यू ए इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज एट लोअर पोटेंशियल, और सिमिलरली यहां यू बी जो है ये हाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है प्लेट बी की निस्बत से, और वी बी इसका पोटेंशियल है प्लेट बी के ऊपर, राइट? अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी है, जो कि हाई माइनस लोअर यानी कि वी बी माइनस वी ए के इक्वल होगा, राइट? अब यहां एक चार्ज आपने प्लेस किया हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसके ऊपर एक नेचुरल फोर्स लग रही है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी एफ ई, जिसको मैंने एफ ई से रिप्रेजेंट किया हुआ, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लग रही होगी। अब आपने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी है ताकि चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। चार्ज कब इक्विलिब्रियम में आएगा? जब इस चार्ज के ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस का सम क्या होगा? जीरो। इट मींस मुझे इस
पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन उसकी मिकदार यानी कि उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि एफ ई के बराबर होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखते हुए चार्ज को हमें मूव करवाना है। तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है एफ, जिसकी वैल्यू क्यू नॉट ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, राइट। Under the action of this force, ये जो चार्ज है negative plate से positive plate की तरफ against the field lines move कर रहा है, right? अब वो जो force है F is equal to Q naught E, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि वो Q naught E के equal होगी, उसको equilibrium में रखने के लिए। अब यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी हुई, जरा इसको गौर से समझिएगा, right? मैंने यहाँ लिखा हुआ कि अगर चार्ज प्लेट B से प्लेट A की तरफ मूव करता है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो उसके ऊपर आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वो चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑटोमेटिकली, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, वो नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। ये मैंने बात ये लिखी हुई है, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वो चार्ज प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करवाया जाएगा, तो उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फोर्स की जरूरत है। और उस केस के अंदर अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाता हूं, तो उसके अंदर हायर पोटेंशियल पे जाने के बाद एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। वही बात मैंने यहां लिखी हुई है, इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वो किस तरह से लिया जा सकता है, हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को क्या करके माइनस करके, यानी कि फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करके। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो डेल्टा यू से मैंने रिप्रेजेंट की है, यू भी हायर पोटेंशियल एनर्जी लेवल था, यू ए लोअर पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, दोनों को मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, यानी कि हायर में से लोअर को निकालूंगा, तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, राइट। अब यहां जो वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगा, तो वर्क डन फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी आपके पास डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए यानी कि हायर माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, राइट। अब यहां से जो डेल्टा यू है आपको पता है कि वो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल के इक्वल होगा। आपको पता है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हायर है नेगेटिव प्लेट से, तो वी बी में से वी ए में माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA, ये WAB ओवर Q नॉट के इक्वल होगा, यानी कि वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो जो वर्क डन प्लेट A से प्लेट B तक हो रहा है उसको WAB से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, A टू B, राइट। अब यहां इसी चीज को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर यूनिट चार्ज के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन जो मैंने यहां मेंशन की। अगर आप गौर से देखें यहां जो मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखी है, इसमें लिखा हुआ है द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हैं, राइट। उसके मुताबिक ये जो मेरे पास डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट है मैंने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। अब इसका जो यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये वोल्ट होता है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक मुझे नजर आ रहा है कि वोल्ट इक्वल आ रहा है 1 joule over 1 coulomb। क्यों? क्योंकि वर्क डन या एनर्जी को हम जाउल में कैलकुलेट करते हैं और यूनिट का जो चार्ज होता है वो कूलम। अगर 1 joule वर्क डन हो रहा हो किसके ऊपर, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, कहां, बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो उसको अगेंस्ट द फील्ड जाने के लिए अगर 1 joule वर्क डन किया जा रहा है और उस चार्ज की वैल्यू 1 coulomb है, तो उस वक्त उन दोनों प्लेट्स का दरमियानी जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 1 volt के इक्वल होगा, राइट। तो यहां से हम 1 volt की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज जिसकी वैल्यू 1 coulomb है उसके ऊपर 1 joule का वर्क डन किया जाए, तो उस वक्त उन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 1 volt के इक्वल होगा, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स का दरमियानी पोटेंशियल का डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक खास पॉइंट का पोटेंशियल होगा किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, जो कि हमें उस सर्टेन प्लेस का पोटेंशियल दे रहा होगा, राइट। इसको फाइंड करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम किस तरह से लेंगे उसको हम इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले जो मैंने यहां लिखी हुई, मैंने लिखा हुआ है द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाउंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि आपने एक खास पॉइंट का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, किस पॉइंट के लिहाज से, एक ऐसे पॉइंट के लिहाज से जो कहां एग्जिस्ट कर रहा है,
इंफिनिटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वहां से आपने चार्ज को लेके आना है उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, और जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना होगा वो फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जिस पॉइंट से आप उसको लेके आ रहे होंगे चार्ज को वो फील्ड से बाहर होगा, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस भी होगा, राइट। तो इसके मुताबिक हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो प्लेट ए थी, यानी कि इस केस के अंदर जो प्लेट ए थी, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज से पैदा होने वाली जो फील्ड लाइंस है वो इंफिनिटी पे जाते जाते वो उनकी फील्ड कमजोर होते होते जीरो हो जाएगी। इट मींस वहां तक जाते जाते जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ए प्लेट का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। और जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लेट की वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसको इन्फिनिटी पे ले गए। अगर मैं इस चीज को कंपेयर करवाऊं विद ग्रेविटेशनल फील्ड, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो वहां का जो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है वो जीरो हो जाता है। इसको आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4, राइट। तो यहां अगर प्लेट ए का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर मैं यहां वी ए की वैल्यू जीरो पुट कर दूं और यू ए की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास प्लेट बी का पोटेंशियल आ जाएगा। किस रेफरेंस पॉइंट से? एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट से जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है और वहां का पोटेंशियल लेवल जीरो है। तो मेरे पास यहां प्लेट बी का जो पोटेंशियल लेवल वी बी है वो इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू इंफिनिटी बी ओवर क्यू नॉट, राइट। अब मैंने यहां इनफाइनाइट क्यों लिखा, क्योंकि आपका पॉइंट ए जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे पास यहां वी बी विल बी इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। मेरे पास यहां पॉइंट बी का पोटेंशियल आ जाएगा जो कि इसी पॉइंट बी का पोटेंशियल होगा। इसको किसी दूसरे पॉइंट के साथ यहां कंपेयर नहीं किया जा रहा क्योंकि वो पॉइंट हमारे पास ऐसा पॉइंट था जिसका पोटेंशियल हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, जीरो कंसीडर किया हुआ, राइट। तो यहां ये पॉइंट बी का आपने पोटेंशियल निकाल लिया जो कि एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस से हम किसी खास पॉइंट के पोटेंशियल पे आ गए। अगर ये पॉइंट बी के अलावा किसी और पॉइंट का पोटेंशियल हो, यानी कि जनरल फॉर्म इसके हम कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट, यानी कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इस फॉर्मूले को आप यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह से लिखी जा सकती है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका टाइटल है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है इसको हम देख लेते हैं। बेटा प्लीज इसको गौर से देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका ताल्लुक नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी है, जिसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जी बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक द नेगेटिव ऑफ द रेशियो बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एंड शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये क्या है, ये आपके पास नेगेटिव ऑफ द रेशियो है। ये रेशियो है किसकी, दो चीजों की रेशियो है यहां जी, ये दो चीजों की रेशियो है। नंबर वन, एक आपके पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल में जो तब्दीली आएगी अगर एक पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उसके मूव करने से जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है वो पोटेंशियल, और अगेंस्ट द फील्ड अगर वो मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम में रहते हुए, एट दैट टाइम उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस को उस डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो उस रेशियो को हम क्या नाम देंगे, उस नेगेटिव ऑफ द रेशियो को हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है, राइट। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक मैंने यहां दो प्लेट्स क्या कर ली है, सपोज कर ली है। लेट मेरे पास एक प्लेट बी है जिस जो हाई पोटेंशियल पे है, एक प्लेट ए है जो लोअर पोटेंशियल पे है, और एक ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है जो कि इक्विलिब्रियम में रखते हुए इसको अगेंस्ट द फील्ड लाइन मूव करवा रही है। एट दैट टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो बराबर होगा वी बी माइनस वी है, जिसको मैं डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये बराबर आएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज डब्ल्यू ए बी ओवर यूनिट चार्ज क्यू नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अगर मैं यहां वर्क डन निकालना चाहता हूं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ डी कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब यहां 180 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं जबकि फोर्स डाउनवर्ड लग रही जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रही तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो आपके पास cos 180 विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 1, तो दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल टू माइनस एफ डी, और माइनस साइन यहां एज इट इज आएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट ई, जो ऑलरेडी आप यहां देख चुके हैं कि आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट इंटू ई। तो यहां अगर फोर्स की वैल्यू पुट की जाए क्यू नॉट इंटू ई, तो आपके पास डब्ल्यू ए बी आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी, राइट।
अब यहाँ आप इस वर्क डन की वैल्यू उठाकर अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन में पुट करें, डब्ल्यू ए बी को रिप्लेस करें वर्क डन के रिलेशन से, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट। आपको नजर आ रहा है कि ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। जब क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बाकी रिलेशन बचेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी, राइट। अब इस रिलेशन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करूं, सॉल्व करूं, तो मेरे पास ई विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस डेल्टा वी ओवर डी, तो डी डिनोमिनेटर में चला गया। अब यहां सपोज किया जा रहा है कि अगर दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी फासला है वो डी की बजाय क्या रख लिया जाए, वो डी की बजाय बहुत शॉर्ट डिस्टेंस रख लिया जाए, इनफाइनाइट सिमिली क्लोज डिस्टेंस रख लिया जाए, जिसको यहां डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपके पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है वो आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये डेल्टा वी और डेल्टा आर की जो रेशियो है, जहां डेल्टा एक शॉर्ट डिस्टेंस है जो ये चार्ज ट्रेवल कर रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इन दोनों की जो रेशियो है डेल्टा वी और डेल्टा आर की, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया जाता है। यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक नया यूनिट डेवलप हो रहा है जो कि वोल्ट पर मीटर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में और डेल्टा आर को मीटर में मेजर करेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो पहले वाला यूनिट है आपको याद होना चाहिए न्यूटन पर कूलम, और यहां जो नया यूनिट डेवलप हो रहा है वो वोल्ट पर मीटर है। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आपस में इक्वल है, और इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जरूर प्रूव करूंगा कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आपस में इक्वल कैसे हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, राइट। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।